डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आज ये जो हमारी ककड़ी, लौकी और खीरे की बेल थी बिल्कुल सूख गई थी, और आज इसको बिल्कुल हम सब निकाले दे रहे हैं, और इस क्यारी को खाली करके इसकी गुड़ाई करके फिर देखो मैं इसमें क्या क्या डाल के इसको गर्मी के लिए छोड़ती हूँ, और एक महीना के लिए क्यारी छोड़ दूंगी, जिससे हमारी मिट्टी पौष्टिक बन जाए। और इसकी बेले ये अब बेकार हैं, इसलिए आज हमारे मैंने अपने हस्बैंड को सहारा लिया, उनसे कहा ये थोड़ी बेले निकलवाओ, क्योंकि तो इतनी ज्यादा थी और खूब अच्छी इन्होंने फसल दी। लौकी भी लगी, खीरा भी लगा, ककड़ी भी लगी, और ये इस मौसम में आके बिल्कुल पत्ते सूख गए, डाले सूख गई। और ये देखिए, इनको मैंने अच्छे से इनका वो बनाया था पौड़ाने के लिए छप्पर भी, लेकिन अब ये सब बेकार है। सबको निकाल कर और ये बिल्कुल हम क्यारी खाली कर रहे हैं। इस तरह से वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए, सारा जो हमने पौड़ाने के लिए जो लकड़ी गाड़ी थी आज सब उखाड़ देंगे और ये बेल खत्म कर देंगे। अगर आपकी भी बेल सूख रही हो तो आप उसको अब ये ना सोचना कि अब इसमें फल लगेंगे, अभी इसमें फल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जनवरी फरवरी की बोई हुई है और इन्होंने जितना बढ़ना था फल देना था दे दिया। अब आप ये नए लौकी और तोरई ककड़ी जो भी लगाना हो तो जुलाई के एंड में लगाना, उसके लिए पहले तैयारी कर लो। और देखिए, ये हम तैयारी कर रहे हैं अभी। देखिए, इसमें ये सारा जितना भी लगाया था पौड़ाने की लकड़ी वो सब निकाल रहे हैं, और इसके बाद इस मिट्टी की हम ये देखिए, मिट्टी इस तरह की है, इसकी हम गुड़ाई करेंगे। उस साइड वाले लगे रहने दो, क्योंकि फिर इसी में लौकी बोएंगे। ये सब लगे रहने दो, बहुत मजबूती से आपने पहले लगाए थे, तो बस ये किनारे वाले हम निकाल दो, और ये किनारे वाले हम सब निकाल रहे हैं। और इसके बाद में इसमें हम अभी सूखे पत्ते डालेंगे और गोबर की खाद डालेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहना। अभी तो गुड़ा ये बेल निकाल लें ढंग से, क्योंकि बेल बहुत ज्यादा, देखिए कुछ डाले हरे भी हैं, लेकिन अब इनमें हमें कोई हार्वेस्टिंग के लिए लौकी या खीरा ककड़ी नहीं मिलेगा, तो बस यही मुझे आज करना था सुबह से, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, मानसून ऐसा लगता है आ गया है, तो ये हर समय बादली छाई रहती है, रात में बारिश भी हुई, तो ये सब तैयारी करनी थी। देखिए, मैंने इसकी गुड़ाई कर दी, अब गुड़ाई करने के बाद में ये सूखे पत्ते डाल दे रहे हैं, सड़े सूखे, ये हमारी मिट्टी को बहुत पौष्टिक बनाते हैं। अब नीम के पत्ते हैं, तो हमारे मुझे पे या किसी का नारवा किरेदा नहीं इसमें होगा, क्योंकि हमने सूखे पत्ते डाल दिए, और इसके ऊपर मैं खाद डाल रही हूँ। ये पूरे में मैं खाद इस तरह से फैला दूंगी, और इसके बाद में अब इसमें ऊपर से थोड़ा और मिट्टी डाल के अब इसको छोड़ दूंगी। ये जून के महीने में पूरा इसको चांस दूंगी धूप का और गोबर सड़ने का, या मिट्टी को बैठने का, जो भी है, पत्ते भी इसमें सड़ जाएंगे, गोबर भी सड़ जाएगा, ऊपर से मिट्टी पर डाल देंगे। तो इस तरह से ये मैं बरसात की तैयारी कर रही हूँ। अब कभी भी धूप निकलेगी तो इसमें जो भी चींटी ये कुछ होगी सब मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो ये करना था मुझे, तो आपको मैंने सोचा शेयर करूं।
तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।